हेलो गाइस, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल टेक्नो मास्टर जी में। दोस्तों, आज हमारे पास है रेडमी 8 फोन। इसका चार्जिंग टेस्ट करूंगा, इसमें अभी 0% चार्ज है। इसको 0 to 100% चार्ज करूंगा और देखूंगा कितना टाइम में ये 100% चार्ज होता है। और इसी के साथ दोस्तों हीट टेस्ट भी करूंगा और देखूंगा कितना फोन हीट होता है चार्ज करते वक्त। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फोन को चार्ज करने के लिए मैं नॉर्मल चार्जर ही यूज करूंगा जो बॉक्स के अंदर आता है, और केबल भी वही यूज करूंगा जो बॉक्स के अंदर आता है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे फटाक से सेट कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास है एक एक्स्ट्रा फोन जिसमें स्टॉपवॉच ऑन कर दूंगा, जिससे पता चलेगा कि कितना टाइम में कितना चार्ज हो रहा है। ओके, तो दोस्तों अभी हम दोनों का स्विच एक साथ प्रेस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे फोन देख लीजिए, फोन एकदम 0% चार्ज है। यहाँ पे देखिए, मैं पावर बटन प्रेस करके रखा हूँ, फोन ऑन नहीं हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे हीट की बात करें तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 32-33 के आसपास है। और यहाँ पे देखिए फोन का टेम्परेचर, ये 34 और 35 के आसपास है। ओके, तो 35 एक एवरेज है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं एक साथ स्विच को प्रेस करता हूँ, और स्टॉपवॉच का और बोट का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है, फोन में रेडमी का लोगो आ चुका है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली स्विच ऑफ करके कोई भी फोन चार्ज नहीं करते हैं, इसलिए मैं इस फोन को अभी ऑन कर देता हूँ। और दोस्तों 15 मिनट के बाद आता हूँ और चेक करता हूँ बैटरी कितना चार्ज हुआ और हीट कितना रहता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पूरा 15 मिनट पूरा हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे स्टॉप वॉच में देख पा रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों फोन चेक कर लेते हैं, फोन में कितना चार्ज हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी 10% चार्ज हुआ है। तो यहाँ वॉलपेपर की वजह से नहीं दिख रहा है, तो ये मैं वॉलपेपर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अभी 10% चार्ज हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों फोन की हीट की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, रूम टेम्परेचर 32 है। और फोन की हीट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 37-38 के आसपास आ चुका है। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई भी इश्यू नहीं है। तो दोस्तों अभी आते हैं आधा घंटा के बाद और चेक करते हैं हमारा फोन में कितना चार्ज होता है और फोन का हीट क्या रहता है। ओके, तो चलिए आधा घंटे के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा पूरा हो चुका है और यहाँ पे स्टॉप वॉच में देखिए 45 मिनट पूरा हो चुका है। ओके, टोटल 45 मिनट हो चुका है। और अभी बैटरी परसेंटेज चेक कर लेते हैं कितना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 33% चार्ज हो चुका है। ये देखिए, वॉलपेपर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए 33% चार्ज हो चुका है। ओके दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पे हीट चेक कर लेते हैं, फोन का हीट कितना है। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 32 के आसपास ही है, मतलब 32 ही है। फोन के हीट की बात करें तो यहाँ पे 37-38 के आसपास है, एक 37 एवरेज है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा हीट भी नहीं हुआ है, नॉर्मली हीट है और वही है जो पहले था। ओके, तो दोस्तों अब आते हैं एक घंटा के बाद और देखते हैं हमारा फ़ोन कितना चार्ज होता है और बैटरी परसेंटेज कितना रहता है, हीट कितना रहता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक घंटा पूरा हो चुका है और यहाँ टोटल जो टाइम है 1 आवर 45 मिनट हो चुका है। तो अभी दोस्तों हम फोन में चेक कर लेते हैं कितना बैटरी चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 72% चार्ज हो चुका है, ये देखिए। और दोस्तों फोन की हीट की बात करें तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर भी देख लीजिए, 33 के आसपास है, मतलब 33 है। और फोन की हीट की बात करें तो यहाँ पे 37-39 तक पहुँच चुका है, मतलब थोड़ा सा और हीट हुआ है। ओके, तो 38 के एक एवरेज है। तो दोस्तों अब हम फुल चार्ज करते हैं फोन को और देखते हैं कितना देर में चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स फाइनली ये 100% चार्ज हो चुका है, 5000 mAh बैटरी 100% चार्ज हो चुका है। और दोस्तों जो टाइम लगा है वो 3 आवर 21 मिनट लग चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं लॉक ओपन करके यहाँ बैटरी परसेंटेज दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 100% चार्ज है, यहाँ पे देखिए बैटरी लेवल 100% है। ओके, तो फ्रेंड्स इस फोन को चार्ज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, 3 आवर 20 मिनट काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो दोस्तों आपको अगर इसे चार्ज करना है तो रात का टाइम ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि दिन को कोई नहीं चाहेगा कि 3.5 घंटे के लिए फ़ोन को चार्ज में लगा दे। बाकी इस फोन में 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, ये एक अच्छी बात है। तो दोस्तों 18 वाट का फास्ट चार्जिंग से चार्जिंग टेस्ट वीडियो बनाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हीट की बात करें तो यहाँ पे मैं भी फोन का हीट दिखा देता हूँ, ये देखिए 37 के आसपास है। तो दोस्तों एक हीट जो है वो नॉर्मली है,
बड़ा भी नहीं है, घटा भी नहीं है, एक एवरेज हीट है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों चार्जिंग का काफी ज्यादा टाइम लग गया। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। और दोस्तों आपका कोई सुझाव हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप अगर चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।